सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब कैरियर से होंगे। एक तो हमारे जो है ना, मैंने आपको बताया है कि हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसी इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, तो शायद मेरी आवाज़ कम पड़ गई होगी। आज बहुत ज़्यादा मतलब हफ्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है, मुझे इतना अजीब फील हो रहा है ना आज कि मैं क्या बताऊँ। खैर एनीवे, बिना देर के अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर, की लगाई है मेहंदी क्योंकि आज मम्मा का है स्पेशल डे और मैं मम्मा के ख़ास दिन को और ख़ास बनाना चाहती हूँ। मम्मा तो लगवाती नहीं हो, कहती नहीं मैं नहीं लगा रही, मुझे उलझन हो रही है, ये हो रहा है, मैंने ज़बरदस्ती लगाई। मैं कहा नहीं आप लगाएंगी और मैं पीछे पड़ गया, मैंने देखे लगाई और देखे मेरा हाथ का शक क्या हो गया, पर मैंने मम्मा के अपनी मेहंदी लगाई। मेरी बेटी ने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है मेरे टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता और यहाँ पे हमारी चटनी तैयार है। आज हम चटनी के साथ पराठा खा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद हम ऐसी चटनी खा रहे हैं। तो बस अब हम नाश्ता करते हैं, फिर आपसे बात होगी आगे जितना व्लॉग बनेगा। तो फिर चलिए, तो देखें यहाँ पे हमारे घर के बाहर ना चीकू का पेड़ है, तो ना इतने सारे यहाँ पे चीकू आए हुए होते हैं। तो आज मम्मा की नज़र पड़ी, तो मम्मा ने कहा, मम्मा ने मुझे बुलाकर दिखाया कि देखो कितने सारे चीकू लगे हुए। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि देखें कितने अच्छे कितने प्यारे चीकू लगे हुए हैं। और ये पता है क्या, सारे आ जाते हैं ना, तो जितने भी मतलब बाहर से आने जाने वाले हैं वो सारे तोड़ के ले जाते हैं, हमें मिलते ही नहीं है। हमारे पेड़ के चीकू हमें ही नहीं मिल रहे हैं, देखो तो ज़रा ऐसा हो रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पर डोर की वजह से और सेवर की वजह से डेकोर नहीं हो सका, तो यहाँ पे मैं बलून्स रेडी कर रही हूँ डेकोर के लिए। हमारा डिकोर एकदम कंप्लीट हो चुका है। मैं लाइट ऑफ करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट की ना रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, सामने बल्ब था तो उसे नज़र नहीं आ रहा था अच्छे से। फिर मैंने किसी चीज़ से लाइट को कवर किया, उसके बाद आप लोग देखें कि कितना अच्छा सब कुछ नज़र आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है सब माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छे से हो गया था, जो चीज़ घर में रखी हुई थी मैं अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छे से अच्छा हो जाए, तो मैंने कर लिया। पापा आपके गजरे भी ले आए, उठे आपके लिए स्पेशल गजरे आए, स्पेशल गजरे लाए पापा आपके लिए, जल्दी से उठे करो, उठे उठे आप तो आपको उठना पड़ेगा गजरे पहनने के लिए। चले 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 जल्दी से आए, फटाफट मम्मा को मना कर लाती हूँ, फिर पापा अपने हाथों से बनाएंगे मम्मा को गजरे, फिर हम केक कटिंग करेंगे। तो चले, मम्मा पापा से नाराज़ हो गई थी, पापा मम्मा के गजरे भूल गए थे लाना, तो चलिए फिर अब मम्मा को मनाते हैं फटाफट और फिर आते होंगे। तो मैंने स्पेशल अपनी मम्मा पापा के डेकोरेशन किए, छोटी सी थोड़ी सी मैंने कोशिश किया अच्छा सा उनके बेडरूम को अच्छा से डेकोरेट करने के लिए, ताकि वो अच्छा फील करें, स्पेशल फील करें, जैसे वो हमें बचपन में अच्छा फील करवाते थे हमेशा हमारी बर्थडे वाले दिन ये प्रिपरेशन कर कर। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि वो मेरे थोड़े से जो मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन किया वो खुश हो जाएँ। तो फिर चलिए, यहाँ मम्मा के मैंने गजरा सेट कर दिया है बालों में, ये देखें कितना अच्छा गजरा सेट किया मैंने मम्मा के बालों में। तैयार कर लिया है, अब केक भी आ गया हमारा और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया क्योंकि लाइट की रोशनी पड़ी थी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए कितना सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। नाम लिखा
बस नाम नहीं लिखवा पाए, बाकी सब फिट है। कमरा भी सेट कर लिया था इतना अच्छे से, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। गजरे कहाँ हैं आपके? यहाँ पे सब अपनी अपनी वीडियो में मसरूफ। पापा खड़े हुए हैं और यहाँ पर टीवी भी चल रहा है। और ये मम्मा के गजरे भी लेकर जा रही हूँ। चलो आए। यहाँ आते ना दोनों की, हाँ वहाँ से आएगी ना वीडियो, तो बस टेक नहीं लगाइएगा गुब्बारों के ऊपर वरना फट जाएंगे। आगे हो के बैठी है थोड़ा सा, इधर आ जाए, इधर आ जाए ताकि गुब्बारे इधर आए। तो तुम छोटे बैठे हो ना। लिखी मैं ना सुनूं दिल मेरी के बारे में। केक खाऊंगा, मैंने भूख लग रही है, केक खाऊंगा। पहले मैं केक खा लूं उसके बाद फ्रेंड से उगलवाऊंगे क्या जो बोलने चाह रहे हैं। चलो बस खा लिए ना केक, आ जाओ बच्चों को नहीं मुझे खिलाया मम्मा, मुझे खिला दो। मैं सबसे बड़ी भूख आ जाओ चलो। हाँ डाल दूंगी ना सबकी। तो यहाँ पे इनकी तस्वीरें खत्म नहीं हो रही हैं, तस्वीरें लिए जा रहा है। फिलहाल से सारी तस्वीरें निकलवाऊंगी मैं। लाइट देना, लाइट देना तुम वैसे। केक कटिंग हो रही है वहाँ पे, तो सिर्फ एक कट किया था कि अब यहाँ पे खाएंगे। आफ्टर केक कटिंग हमने खाई बिरयानी, इतनी कोई शानदार बिरयानी थी। आज मम्मा की खाने से छुट्टी, तो आज मम्मा की एनिवर्सरी थी, पापा ने कहा कि आज बाहर से खाना आएगा तो हम खा रहे हैं बिरयानी। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। और बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह अपने पेरेंट्स को खुश करते रहें जिस तरह उन्होंने हमारा इतना ख्याल किया हमेशा हमें खुश करने के लिए। तो अपने पेरेंट्स को हमें भी खुश करना बनता है कि नहीं। तो फिर गाइस चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी आप लोगों से। जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ढेर सारा। बाय बाय गाइस, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।